हो गया। अच्छा, दिल्ली में, दिल्ली सरकार में जो अफसर काम करते हैं उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र सरकार के माध्यम से पिछले 7 साल से अवैध नियंत्रण कर रखा है, असंवैधानिक नियंत्रण कर रखा है। और बीजेपी लगातार इस असंवैधानिक कब्जे का, अफसरों के ऊपर इस असंवैधानिक कब्जे का दुरुपयोग करती रही है। किस तरह से दिल्ली सरकार के अफसरों का भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक हित के लिए दुरुपयोग करती रही है, इसका एक उदाहरण कल एक नोटिस के रूप में मिलता है। ये नोटिस दिल्ली के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी सचिव श्रीमती एलिस वास जी ने जारी किया है अरविंद केजरीवाल जी के नाम। दिल्ली सरकार के सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को नोटिस दिया है, मुख्यमंत्री जी को। उन्होंने लिखा है कि 2016-17 के आसपास दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली के बाहर विज्ञापन दिए थे उनकी वसूली अरविंद केजरीवाल जी से की जाएगी, 163 करोड़ रुपए की वसूली। और एलिस वास जी ने अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दी है कानूनी रूप से कि आप ये 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं 10 दिन के अंदर जमा करो, नहीं तो आपके ऊपर फेलिंग विच फर्दर नेसेसरी एक्शन एज पर लॉ विल बी टेकन इन दिस मैटर। सूचना विभाग की आईएएस अधिकारी एलिस वास जी भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अरविंद केजरीवाल जी को धमकी दे रही है कि 10 दिन के अंदर अंदर 163 करोड़ रुपए जमा करो, नहीं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह बात एलिस वास जी की नहीं है, यह किसी आईएएस अधिकारी की नहीं है, यह इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार के अफसरों का किस तरह से दुरुपयोग कर रही है। और दिल्ली के लोगों ने अरविंद केजरीवाल जी को चुना है 2015 में, 2020 में पूर्ण बहुमत नहीं बल्कि प्रचंड बहुमत देके चुना है दिल्ली के लोगों ने। और दिल्ली के लोगों ने मैंडेट दिया केजरीवाल जी को कि दिल्ली सरकार के जो अफसर हैं इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम लीजिए, इनसे दिल्ली की जनता के हित में काम कराइए, स्कूल बनवाइए, अस्पताल बनवाइए, इनसे मजदूरों के लिए काम कराइए, इनसे गरीबों के लिए काम कराइए, दिल्ली का विकास कराइए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी असंवैधानिक रूप से इन अफसरों के ऊपर अपना कब्जा करके जमा के बैठी है और वो इसका दुरुपयोग करके इन अफसरों का इस्तेमाल कर रही है अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ, राजनीतिक इस्तेमाल कर रही है, चुनी हुई सरकार के मंत्रियों को टारगेट करने पे काम नहीं करने दे रही अफसरों को। जनता के काम अफसर करते हैं तो उनको रुकवा देती है और अफसरों का दुरुपयोग कर रही है कि किस तरह से केजरीवाल जी और उनके मंत्रियों को टारगेट करें ये अफसर। ये अफसरों के ऊपर नियंत्रण का, नाजायज नियंत्रण का नाजायज इस्तेमाल है। इसीलिए जो सर्विस डिपार्टमेंट है दिल्ली सरकार का, भारतीय जनता पार्टी उस पर कब्जा जमा के बैठी हुई है संवैधानिक रूप से, गलत तरीके से उस पर कब्जा करके बैठी हुई है ताकि वो अफसरों का दुरुपयोग कर सके और मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दे दे के, अफसरों से दिला के परेशान कर सके, टारगेट कर सके और काम ना करने दे। ये जो डीआईपी का नोटिस है 163 करोड़ रुपए केजरीवाल जी को जमा करने का 10 दिन के अंदर, आप सब जानते हैं ये पुराना मसला चल रहा है। ये 2016-17 में और इस दौरान दिल्ली से बाहर ऐड दिए गए, अब ये कहा जा रहा है दिल्ली से बाहर ऐड नहीं देने चाहिए थे केजरीवाल जी को। मैं पिछले 7 साल तो छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूं आप पिछले 1 महीने के अखबार उठा के देख लीजिए, दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के विज्ञापनों से भरे पड़े हैं दिल्ली के अखबार, मध्य प्रदेश से लेके, उत्तराखंड से लेके, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, हर जगह के
कांग्रेस के भी मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में खूब ऐड मिलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के देशभर के मुख्यमंत्रियों के आपको दिल्ली के अखबारों में ऐड मिलेंगे। अगर गलत है तो वो वहां के मुख्यमंत्रियों से वसूलेगी भारतीय जनता पार्टी वो पैसा? भारतीय जनता पार्टी वहां के अफसरों से ये कराएगी कि वो उत्तर प्रदेश में सूचना सचिव को कहे, आईएएस अधिकारी को, कि जाके योगी जी से पैसा वसूलो, या हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड में वसूलो उनके मुख्यमंत्रियों से? ये अफसरों पर कंट्रोल का दुरुपयोग कर रही है भारतीय जनता पार्टी, कि अफसरों को मजबूर कर रही है कि वो मुख्यमंत्री जी को इस तरह के नोटिस दें, मंत्रियों को टारगेट करें और काम ना करें, जनता के लिए काम ना करें। केजरीवाल जी चाहते हैं अफसरों को जनता के काम पे लगाएं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि अफसर केवल और केवल केजरीवाल जी के ऊपर और उनके मंत्रियों के ऊपर टारगेट करते रहें, काम ना करें। इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता अफसरों पर नाजायज कंट्रोल का किस तरह से कर रहे हैं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी को यही कहना चाहता हूं कि अफसरों का दुरुपयोग बंद करें। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के पास ये ताकत होती है कि वो अफसरों से काम कराए। अफसरों का दुरुपयोग करके इस तरह से चुनी हुई सरकार के मंत्रियों और मुख्यमंत्री को टारगेट कराना अफसरों से बंद करें, बल्कि काम करने दें। और जहां जहां की जनता ने आपको चुना, आप अपने अफसरों से काम कराओ, उनको काम पे लगाओ। ये नोटिस दिलवाने का क्या फायदा है? ऐड तो सारे सरकारें दे रही हैं, आपके राज्यों के मुख्यमंत्री इतने सारे दे रहे हैं। इसमें लिखा गया है कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अभी पार्टी के सचिव ने, हमने इनसे सूचना मांगी है कि भाई ये कौन से ऐड हैं, ऐड भी तो देखें कि उनमें क्या गैर कानूनी है, उसमें क्या ऐसी चीज हो गई कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो विज्ञापन, अभी आप पूरी दिल्ली में कहीं चले जाओ, सारी दिल्ली में लग रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग लगे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों के, वहां की सरकारों के, अखबारों में रोज ऐड आ रहे हैं। हम भी तो देखें कि हमने उनसे कौन सा अलग ऐड दे दिया, उनसे कॉपी मांगी है। ये चिट्ठी लिखी है अभी हमने एलिस वाइस जी को। कानून नहीं है, गैर कानूनी है ये कृत्य ही गैर कानूनी है कि अफसरों का इस तरह से दुरुपयोग करो, अफसरों के कंट्रोल के ऊपर इस तरह से दुरुपयोग करो। नहीं, इसीलिए हमने माननीय अदालत में गए हैं, हमें वहां तो सिर्फ पूरा भरोसा है, इसीलिए हम वहां गए। वो तो आनी है, उस पर काम चल रहा है।